दोस्तों, स्वागत है आपका कल्ट ऑफ रेसलिंग में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं AEW कोलिजन के बारे में। आज कोलिजन का सुबह इवेंट था और एक शो था जो हर संडे आता है सुबह, और मेरे अकॉर्डिंग अब तक का बेस्ट AEW का कोलिजन का एपिसोड था ये, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हुआ है। अगर आपने कोलिजन को मिस कर दिया सुबह, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। तो सबसे पहले AEW की कोई खबर हमारे चैनल पे आ रही है, तो बात करते हैं AEW कोलिजन के बारे में जो आज हुआ। तो यहाँ पर मेन खबरों की बात करूँगा आपको। CM Punk द बेस्ट इन द वर्ल्ड, द बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड, CM Punk आते हैं रिंग के अंदर, और CM Punk के हाथ में जो बैग था, जो फर्स्ट कोलिजन हुआ था जहाँ पर डेब्यू हुआ था, वहाँ पर उनके हाथ में एक बैग था लाल कलर का। उस बैग के अंदर क्या था ये बहुत लोग गेस कर रहे थे, लेकिन मुझे पता था उस बैग के अंदर क्या है, शुरू से ही पता था मुझे। और आज फाइनली वो रिवील किया CM Punk ने, उसमें है AEW की वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो उन्होंने हारी नहीं थी जब पिछली बार वो ऑल आउट के अंदर चैंपियन बने थे। उसके बाद उन्होंने चैंपियनशिप डिफेंड नहीं करी बिकॉज कंपनी से वो चले गए थे या वो इंजर्ड थे, जो भी था। लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि वो चैंपियनशिप को हारे नहीं थे, किसी ने उनको हराया नहीं था उस चैंपियनशिप के लिए, इसलिए वो स्टिल AEW के रियल वर्ल्ड चैंपियन कहलाए जाएंगे। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। CM Punk ने कहा कि मैं अभी स्टिल AEW का चैंपियन हूँ, और मैं तब तक चैंपियन रहूँगा जब तक मुझे कोई इसके लिए हरा नहीं देता। उसके बाद रिकी स्ट्रॉन्ग आते हैं, वो आके CM Punk को चैलेंज करते हैं उस चैंपियनशिप के लिए। तो नेक्स्ट वीक कोलिजन में मैच होगा CM Punk वर्सेस रॉडरिक के बीच में AEW की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो यहाँ पर देखना ही होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि मैच में क्या होता है। उसके बाद जो बड़ा मेन आप कह सकते हैं शो था, क्योंकि AEW की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था MJF और एडम कोल वर्सेस FTR के बीच में, और ये मेन इवेंट था शो का, और बहुत बढ़िया मैच था, कमाल का मैच था, क्योंकि इसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी। AEW डायनामाइट के अंदर बहुत अच्छी हाइप थी इसकी। MJF और एडम कोल की फ्रेंडशिप नई नई बनी है, उसके अकॉर्डिंग नई नई टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था। और मैच के अगर रिजल्ट की बात करूँ, तो AEW में जो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच है, MJF और एडम कोल हार चुके हैं, FTR ने क्लियर उनको हरा दिया है रोल अप करके। और उसके बाद सबको उम्मीद थी कि MJF टर्न करेंगे एडम कोल के अंदर और एडम कोल पर अटैक करेंगे चैंपियनशिप से या किसी वेपन से, और ऐसा ही हुआ। और एडम कोल खड़े थे और एडम कोल को ये पता था कि MJF उन पर अटैक करने वाले हैं, लेकिन MJF ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अटैक करने की कोशिश की लेकिन अटैक नहीं किया। और इसके बाद क्या होता है, MJF जो है वो चैंपियनशिप को थ्रो आउट कर देते हैं, रिंग से बाहर फेंक देते हैं, और एडम कोल को हक करते हैं, गले लगा लेते हैं। सो वहीं पर ये शो ख़त्म हुआ। और लेकिन अगर बात करूँ शो की मेन की, तो है वो CM Punk, क्योंकि CM Punk ने आज रेसलिंग वर्ल्ड को हिला डाला है, क्योंकि जब से उन्होंने चैंपियनशिप बैट को इंट्रोड्यूस किया है कि मैं स्टिल चैंपियन रहा हूँ, और पुरानी चैंपियनशिप को सबसे इंटरनेट पर सिर्फ CM Punk ही हो रहा है, आप देख सकते हैं। सो अब आगे क्या होगा कोलिजन के ऊपर, कैसे चैंपियनशिप रहेगी, क्योंकि MJF अभी AEW के चैंपियन है, अब CM Punk तो है ही चैंपियन, तो क्या होता है वो। तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल इन के अंदर जो वेम्बली स्टेडियम में होने वाला है, वहाँ पर CM Punk वर्सेज MJF का मैच होगा, और जो जीता वहाँ पर, और वहाँ पर जो दोनों टाइटल है वो असेंबल हो जाएंगे, सिंगल बन जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो दूसरा एक और पॉसिबिलिटी ये है कि शायद AEW कोलिजन के ऊपर एक चैंपियनशिप सेपरेट आएगी जो है CM Punk के पास। तो आप मान सकते हैं कि CM Punk एज अ चैंपियन AEW का कोलिजन पर होगा और MJF एज अ डायनामाइट पर होगा। तो दो चैंपियन मुझे लगता है कि AEW में चलेगी अब, जैसे कि WWE के अंदर चलती है। तो कोलिजन बहुत अच्छा था आज का, देखना ही होगा आगे क्या होता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, थैंक यू वेरी मच।